मुझे खराब लगता है, देखिए आपको भी खराब लगेगा, 2022 में कच्चा घर देके बोलते कि हमने आपको सेटल कर दिया, एक स्कूल है हम वहाँ गए थे, आज 50,000 रुपीज भी देके आए हैं। स्कूल में आप बच्चा क्या पढ़ेगा उस स्कूल में, और इसका जो मैनेजमेंट है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा से आया है। घर ठीक है, आपने कहा है कि वो खुद बनाए, लेकिन कुछ हाइजीनिक कंडीशंस तो रखा जाए। आज कोविड के लिए, कोरोना के लिए कितने लोग मरे हैं, सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब कुछ विदाउट प्लानिंग करके जैसा घर बना है, ये घर एक दो साल के बाद फिर से बेकार हो जाएगा। तो गुस्सा नहीं आया, दुख लगा, और जेन्युइन रिएक्शन होता है, क्योंकि 2022 में हम अपने ब्रू लोगों को इतने ख़राब कंडीशन में रख के छोड़ के हमको लगेगा कि हमने सेटल कर दिया, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा बात है कि जो काम मैंने देखा वहाँ में, मुझे तो लगता है कि ठीक है पैसा आया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा पैसा खा लिया। अब मैं इसमें पॉलिटाइजेशन नहीं करना चाहता, जैसे कि बीजेपी के लोग, जनजाति मोर्चा के लोग हर चीज़ को पॉलिटिक्स करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वही कॉन्ट्रैक्टर जो CPM के टाइम पैसा कमाता था, आज वही कॉन्ट्रैक्टर BJP के टाइम भी पैसा कमा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर तो वही है, काम वही है, तो खराब काम होने से सबको विजुअल से मेरे पास, मैं तो झूठ नहीं बोल, ये फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, आप देख लीजिए, इतना खराब काम होने से आदमी को दुख क्यों नहीं लगेगा, खराब क्यों नहीं लगेगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर यहाँ में कोई भी हो, नॉट ओनली ट्राइबल्स, अगर बंगालीज भी हो, ऐसे घर में किसी को रखना अच्छा नहीं लगता। और ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जो $1 trillion इकॉनमी, 7 trillion, 5 trillion जो भी बात कर रही है, इकॉनमी के बारे में बात कर रही है, वो आज अपने ही स्टेट में इतने खराब से अपने ही नागरिक को रखते हैं। इसी के लिए मैंने आज रिएक्ट किया। मेरा रैली जो है 12 तारीख को, मैं सबको फिर से बोलना चाहता हूँ कि जब लास्ट टाइम हुआ था कहीं में कुछ वायलेंस नहीं हुआ था, मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग जो तिपरासाज लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, अगर हमें अपना पॉइंट रखना है तो वायलेंस का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें पूरे दुनिया को दिखाना है कि हम शांति से डेमोक्रेटिकली अपना पॉइंट्स रख सकते हैं, अपना डिमांड्स रख सकते हैं, तभी हमें सब मानेंगे भी और हमें हमारा बात सुनेंगे भी। ये जो वायलेंस का रास्ता है, ये जो बंदूक का रास्ता है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। हमको लगता है कि अगर हमने अपना अच्छा छवि सबको दिखाया और दिखाया कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, नो कम्युनिटी, नो रिलीजन, नो कास्ट, हम लोग सिर्फ अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, तो शायद सब लोग भी हम लोग से हमदर्दी करें और हमारा पॉइंट को समझने की कोशिश करें। तो वंस अगेन आई एम अपीलिंग टू एवरीवन, जो भी से दिसंबर से दिल्ली अभियान का ये प्रोग्राम किया है, हम लोग इस बार 2000 लोग, हम लोग पूरे त्रिपुरा से ट्रेन में हम लोग दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे, इंडिया गेट के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, और अपना डिमांड, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जो हमारा है, उसको भी हम दिल्ली में रखेंगे। 2000 लोग 1 तारीख दिसंबर को दिल्ली जाएंगे, ये हमारा दिल्ली अभियान भी, इसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। एनी क्वेश्चन? आई बी मॉडर। देखिए ये बात, अच्छा क्वेश्चन है आपका, लोग जगह देना चाहते हैं, लोकल कम्युनिटी वहाँ में जगह देना चाहते हैं, लेकिन जो जगह लोकल्स देना चाहते थे वहाँ में उनको जगह नहीं दिया, और जहाँ में लोकल्स का रबर बगान है वहाँ में सेटल करना चाह रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जहाँ से आपका रबर बगान है, जहाँ से लोग पहले से काम, वहाँ से उनका इनकम है, वहाँ में रबर बगान को काट कर आप अगर किसी को सेटल करेंगे तो लोकल लोग अपसेट होंगे। लेकिन लोकल लोग ने कहा है कि हमने दूसरा ज़मीन दिखाया था जो ब्रू शरणार्थी को पसंद भी है, लेकिन वहाँ में गवर्नमेंट ने नहीं रखा है, और गवर्नमेंट जान पूछ के उनको वैसे जगह में रखना चाह रहे हैं जहाँ में पहले से रबर बगान है। और अगर ये होगा तो डिवीजन होगा, थानसा टूटेगा, एकता टूटेगा, और एक दूसरे से लोग लड़ेंगे, और इसमें फ़ायदा किसको होगा? इसमें फ़ायदा उसी को होगा जो जनजाति को डिवाइड करके हमारे ऊपर राज करना चाहता है। तो ये जो आपका रिपोर्टिंग है, आप फिर से पूछ लीजिए, लोग अपोज नहीं कर रहे हैं, लोगों ने सिर्फ कहा है कि यहाँ में हमारा रबर बगान है, यहाँ में मत कीजिए, यहाँ से हमारा इनकम आता है, दूसरा जगह उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है, यहाँ में रख दीजिए, हम इनको खुद वेलकम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट किसी के रबर बगान में
किसी का जहाँ में इनकम होता है वहीं में सेटल करके एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा ये क्लियर बात इंटेंशनली है, बेवकूफ तो कोई है नहीं। अगर आपका कहीं में इनकम है, इफ़ यू हैव ए इनकम समवेयर एंड वहीं में हम किसी को सेटल करना चाहें, जब इतना जगह आसपास में खाली है, तो आप चाहते ही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो। ये तो नेगेटिव, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली त्रिपुरा में मैंने देखा है कि लोगों को सोल्यूशन कम केओस ज़्यादा कराना है। सोल्यूशन के बारे में नोबडी टॉक्स, एवरीबडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट केओस। सबको मज़ा आता है एक दूसरे से झगड़ा लड़ाने के लिए। मैंने ये भी देखा कि मीडिया के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, पार्टीज के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, तब ट्राइबल्स के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, बंगालीज के बीच में झगड़ा लगा देते हैं। क्योंकि जब हम आप लोग एक संग झगड़ा करेंगे ना, तो असली इशू को कोई पूछेगा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे कोई पूछेगा नहीं, लैक ऑफ एजुकेशन के बारे कोई पूछेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे कोई पूछेगा नहीं, रास्ता के बारे कोई पूछेगा नहीं। तो अगर हम लोग एक दूसरे से झगड़ते रहे, लड़ते रहे, तो असली इशू जो डेवलपमेंट का है, जो हीरा मॉडल था, वो उसके बारे कोई बात ही नहीं करे। ये जो ऑडिट है ना, जो आपके सामने मीडिया को दिया, 2014-15 का है। 2014-15 में कौन था? CPM था। 2019-20-21 तक कौन था? GK राव था, एडमिनिस्ट्रेटर था अंडर स्टेट गवर्नमेंट। अभी तो ऑडिट चल रहा है। तो यही तो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ पीपल आर नॉट एजुकेटेड, अगर कोई और चिट्ठी लिखता है, ड्राफ्ट करता है और आदमी लोगों को बोलता है कि जाके चिल्लाओ, तो यही होता है। तो करप्शन कैसे होता है? ठीक है, आप अनुपम खेर को बोलेंगे उसने मेरे दुकान में आकर कंघी चोरी कर दी है। जब अनुपम के खेर के माथे में बाली नहीं है, तो वो क्या कंघी चोरी करके क्या करेगा? पहला बात। दूसरा बात, जो उन्होंने पॉइंट्स रखा है पॉइंट बाय पॉइंट, उनका कुछ वैल्यू नहीं है। उसको आप इम्पोर्टेंस देकर, ऐसे अनाप शनाप लोगों से उनको काउंटर देकर आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बोलता हूँ, रियल इशू में कोई बात नहीं करेगा, ये सब अटेंशन डाइवर्ट करने का है। कहीं में रेप हुआ है तो ADC में धरना करो, कहीं में एजुकेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो ADC में कुछ करो, कहीं में अगर त्रिपुरा में जनरल एरिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो तब वहाँ में हिंदू मुस्लिम का बात करो, रियल इशू में बात करो ना, रियल इशू में बात करो। उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है, उनके खुद के गवर्नमेंट, उनका खुद का गवर्नमेंट से आप चीफ सेक्रेटरी से ये सवाल पूछ लीजिए, चीफ सेक्रेटरी चुप हो जाएगा। बोल रहे देव सिंह दे हैड गिवन 30 crores for the hospital and how it has been spent, they were asking for that. 30 crores is being spent, the foundation stone is going to be laid, and I have invited the former chief minister, Mr. Biplab Deb ji, who was kind enough to give us that fund. I have invited him to put the foundation stone. I'll invite the prime minister, the chief minister to do the foundation stone, because the contract has been given. Now you have to do designing, you have to do drawing. Should I just spend the money just like that on toilets and on roads and give it to some contractor? The money will be spent now through a proper tendering process. Second allegation they had made that bhavan ko hum log ne Shillong shift kar diya. Inko ye bhi malum nahi hai ki wo bhavan nahi hai, wo transit guest house hai. Transit guest house ye jo jagah hai 1998 se ADC ke paas hai. अच्छा, जो पैसा दिया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है थ्रू NEC, अभी तक एक पैसा नहीं मिला। जो 10 करोड़ उन्होंने कहा था कि आया है, वो 10 करोड़ ADC के पास नहीं है, वो 10 करोड़ आज भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर है। आप अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए। लेकिन देखिए, आई आस्क यू वन, टेल यू वन थिंग, दीज पीपल डू नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, दे डू नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, वट एवर द ऑफिसर्स टेल देम दे गो एंड डू इट। थोड़ा एजुकेटेड हो गया तब एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन लगाने के लिए मैं भी 10-15 एलिगेशन दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ, वी ऑल नो। अच्छा, क्या हुआ? आप एक सवाल उनसे पूछ लीजिए, प्लीज़, आप लोग तो मीडिया है, पूछ लीजिए। निर्मला सीतारमण ने बोला था कि 1300 करोड़ ADC में आ रहा है। ठीक है, आप ये सवाल प्लीज़ चीफ सेक्रेटरी से पूछिए, क्योंकि पॉलिटिशियन से पूछे तो कुछ मिलेगा नहीं, ये लोग जुमला करते रहेंगे। आप चीफ सेक्रेटरी से एक बार पूछ लीजिए, या ट्राइबल अफेयर्स सेक्रेटरी से पूछ लीजिए कि वो 1300 करोड़ वर्ल्ड बैंक से वो पैसा ADC नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आया है कि नहीं। वो लोग बोलेंगे अभी तक एक पैसा नहीं है।
तो एडीसी के पास कैसे आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आया? तो ये लोगों का, ये लोग अपना होमवर्क नहीं करते हैं और तब पॉलिटिक्स करने के लिए ये लोग ये करते रहते। करने दीजिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनको, उन्होंने जनजाति मोर्चा ने 2018 में बोला था स्टेट काउंसिल देंगे, आज क्या हुआ है वो स्टेट काउंसिल क्या हुआ है? तो उनको भी थोड़ा सा, ठीक है पब्लिक जवाब देगी इनको, आई डोंट हैव टू से मच। आप 12 तारीख का हमारा रैली देखिए, हमने देख लिया उनका रैली कैसा रहा कुमुलुम में, अब आप हमारा रैली देखिए। नहीं, देयर बी नो डिस्कशन, देयर बी नो डिस्कशन। ऑफ कोर्स पीपल कम इंडिविजुअली एंड टॉक टू मी, बट देयर बी नो डिस्कशन एट एनी लेवल टू से दैट देयर विल बी अलायंस। आवर लाइन इज वेरी क्लियर, वी आर फाइटिंग फॉर our constitutional solution and a demand for greater Tripura land for our survival and existence. That is a demand. Anyone who gives it to us in writing, we will consider it. If they don't give it to us in writing, there's no problem. We will fight on our own and we will see after that. If there is all for a secular territory, they are saying, not alliance. Pinaki, I'll tell you something. Main aapko ek baat bolna chahta hoon. The indigenous people, the Tiprasa people are not fighting for power. We are fighting for rights. We are fighting for a survival and existence. Those people जिसके पास पहले से rights है वो लोग power के लिए fight करते हैं। हम लोग के पास rights नहीं है, पहले rights मिल जाए उसके बाद power के लिए fight करेंगे। पहले आप rights हमें writing में दे दीजिए, उसके बाद power के लिए बात करेंगे। जिनके पास rights है वो लोग power के लिए fight करते हैं, हमारे पास rights नहीं है, पहले rights के लिए हम fight करेंगे। In that case, if they appeal also, you won't attend that meeting? राइटिंग में दीजिए, अपील करने से क्या होता है, आप हमको राइटिंग में दीजिए, आपका क्या व्यू है, हमको क्या दे सकते हैं आप राइटिंग में? अपील नहीं, देखिए आई एम वेरी कैटेगरी, आई एम टेलिंग यू, सी आई एम नॉट लाइक अदर नेताज, मैं डायरेक्टली बात बोल रहा हूँ। मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूँ कि हम ग्रेटर त्रिपुरा के लिए फाइट कर रहे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन हम सेक्युलरिज्म के लिए फाइट करेंगे? सेक्युलर तो पहले से हम हैं, हमारे पार्टी में मुस्लिम्स हैं, एससीज हैं, हिंदुस्तानी हैं, बंगालीज भी आ गए हैं, तिप्रासास हैं, हम तो अपने एरिया में, हमने तो सेक्युलर फ्रंट करके तो हमने एडीसी जीता है। माय पॉइंट इज दैट कोई भी अगर किसी को भी अलायंस चाहिए तो राइटिंग में बताइए कि आप तिप्रासा को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देना चाहते हैं, राइटिंग में दीजिए, वो अपील करने से नहीं होगा, राइटिंग में दीजिए। अगर आप राइटिंग में नहीं देंगे तो मैं अपने लोगों को जाकर क्या बोलूँगा? हम अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, वो लोग पावर के लिए फाइट कर रहे हैं। जब तक राइट्स नहीं मिलेगा तब तक पावर का कुछ मतलब नहीं रहता। राइट्स आने के बाद हम पावर के लिए फाइट करेंगे, पहले राइट्स ले ले, अधिकार ले ले अपना 13 लाख की प्रसा के लिए। सर, आज राइट्स की